मैंने बात सुनाई थी, जरूरी था कि जो बंदा बख्शा जाना है उसके पास 100 नेकियां हों। कितनी? 100। 100 नेकियां। एक बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हुआ, उसके पास 99 नेकियां थीं, एक कम थी। 99 थी, एक नहीं थी, 100 में एक कम थी। हुक्म हुआ, जाओ इसकी सजा भुगतो, जब इसकी सजा पूरी हो जाएगी तो तुम्हें फिर जन्नत भेज देंगे। उसने कहा, या अल्लाह, ये जो मैदान माशर है इसमें मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे कुछ जानने वाले दोस्त अहबाब भी हैं, मुझे इजाज़त दे कि मैं जाकर उनसे एक नेकी मांग लूँ। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, अल्लाह इजाज़त दे देगा। वो बंदा बड़ी उम्मीद के साथ रिश्तेदारों के पास आएगा, एक नेकी का मामला है, मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने दुनिया में उनके साथ बहुत नेकियां की हैं, वो मुझे नेकी दे देंगे। वो आएगा, मांगेगा, कोई भी नेकी देने को तैयार। अगले कहेंगे, तूने देनी है तो दे दे, हम तुझे दे सकते। वो उनको बातें याद दिलाएगा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया। वो कहेंगे, नहीं आज कुछ नहीं। रिश्तेदारों से मायूस होकर दोस्तों के पास जाएगा, जिनके लिए पता नहीं क्या कुछ किया था, वो भी कह देंगे, तूने देनी है तो दे दे, हमारे पास तुझे देने के लिए नहीं है। मायूस हो गया, मुंह लटक गया, क्या कुछ नहीं किया था मैंने इन लोगों के लिए, एक नेकी नहीं दे रहे, अब तो मुझे सजा भुगतनी होगी। अल्लाह की तरफ आ रहा है, मायूस हुआ हुआ, अफसरदा। रास्ते में एक शख्स मिला उसे, क्या बात है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तो जो परेशान हो ना, उसका दिल चाहता है कोई मेरा हाल दिल सुने, कोई मेरी बात सुने, सुनने से ही उसका कुछ बोझ हल्का हो जाता है, कोई तसल्ली देगा, दो बोल बोलेगा। उसने उसको सारी बात बताई, इस तरह एक नेकी कम है, रिश्तेदारों के पास भी गया, दोस्तों के पास भी गया, किसी ने नेकी नहीं दी, एक नेकी कम है, अब मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने कहा, मेरे पास एक ही नेकी है, बाकी गुना ही गुना है, तेरी एक कम है और मेरे पास है ही एक, तो अगर तेरी एक नेकी ही तुझे बख्शवा सकती है, तुझे एक नेकी चाहिए, तो मैंने तो बख्शा नहीं जाना, मेरे पास तो नेकियां हैं ही नहीं, चल मैं तुझे अपनी नेकी दे देता हूं। अब बंदे का मतलब ही होना देखें, कि ये नहीं देख रहा कि इसके पास एक ही है, बस ये कि मुझे मिल रही है, मेरी बख्शिश हो जाएगी। ये बंदा मतलब ही कहने का, चल अल्लाह के सामने चल के बयान दे। उसने कहा, चलो। अल्लाह की बारगाह में आए, मेरा रब करीम है, सब कुछ जानता है, उस बंदे से फरमाएगा, तेरे पास एक ही है, तू वो एक भी दे रहा? उसने कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी नाफरमानी की है, कहना नहीं माना, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं सजा का मुस्तहिक हूं, क्योंकि मैंने तेरी फरमा बरदारी नहीं की है, मेरा ये भाई है, इसकी सिर्फ एक ही कम है, तो इसको जो सजा मिलनी है वो इस एक नेकी की वजह से, तो ये अगर बख्शा जाएगा तो मुझे खुशी होगी कि ये तो कम अज कम सजा ना भुगते। अल्लाह फरमाएगा, गफूर और रहीम तू है या मैं हूं? ये तो मेरी शान है, जब तू मेरा बंदा होके इतना मेहरबान, तो मैं रब होके कितना मेहरबान। अल्लाह फरमाएगा, पहले इसको बख्शो फिर इसको बख्शना। ये उसकी शान करीमी। इसीलिए शेख सादी फरमाते हैं, रहमते हक बहानमी जोयद बिहा नमी जोयद, अल्लाह की रहमत बहाना चाहती है, कीमत नहीं, किस बात पर खुश हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाकया सुनाया, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स था बड़ा गुनाहगार, उसने 99 कत्ल किए थे, एक कम 100।
बंदों को मार दिया था, आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, नहीं परवाह कर रहा था। अचानक तौबा का ख्याल आया कि मैं बहुत गुनाहगार हो गया हूं, मुझे तौबा करनी चाहिए। वो किसी के पास चला गया, जिसके पास गया वो खुश्क मिजाज था। उसने बजाय उसको उम्मीद दिलाने के, परे हट, तेरी वजह से मुझ पर ना अजाब आ जाए, चल 99 कत्ल करके आ गया तौबा की, तेरी कोई तौबा नहीं, ऐसे बुरे आदमी की कोई तौबा नहीं। उसने मायूस किया, उसने जिस लहजे में जिस अंदाज में किया, उसका हाथ खुला हुआ था, उसने 99 मारे हुए थे। उसने कहा मैंने 99 मारे, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसने उसको भी मार दिया। बजाय मुझे तसल्ली देने के इसने और मेरे साथ ऐसा किया, उसको गुस्सा चढ़ा, उसने मार दी। अब पहले 99 कत्ल क्या कम थे कि उसने 100 पूरे कर लिए, सेंचुरी हो गई उसकी। अब और ज्यादा पशेमान, किसी ने कहा तौबा की नीयत इरादा कर लिया कि फलां जगह पर एक अल्लाह वाले हैं, उनके पास जा, वो तुझे तौबा कराएंगे। वो तौबा की नीयत से चल पड़ा। तौबा किस चीज का नाम है? जो खता हो गई उस पे शर्मिंदा हो जाना, नादिम हो जाना, आए मुझसे क्या हो गया, और आइंदा वो खता ना करने का पक्का इरादा, इसका नाम तौबा। उसने ये कर लिया, चल पड़ा, रास्ते में उसको मौत आ गई। वाकया खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं, रास्ते में उसको मौत आ गई। फरिश्ते आ गए रहमत के भी अजाब के भी। रहमत के फरिश्तों ने कहा हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे क्योंकि इसने तौबा का इरादा कर लिया था। अजाब के फरिश्तों ने कहा अभी ये तौबा की जगह पर पहुंचा नहीं था, इसने पहुंच के तौबा नहीं की थी, हम इसे दोजख में लेके जाएंगे। फरिश्तों में तकरार हो गई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह क्या फैसला करें? फरमाया जितना फासला चल आया है, तय कर लिया है, वो भी नापो, जितना इसने चल के जाना है वो भी नापो, पैमाइश करो, जो ज्यादा हो उस पर फैसला कर लो। अगर ज्यादा चल आया है तो जन्नत में ले जाओ, अगर ज्यादा चल कर जाना है अभी तो फिर अजाब के फरिश्ते ले जाए, दोजख में ले जाए। हुजूर फरमाते हैं जो फासला वो चल कर आया था वो कम था, जो अभी चल कर जाना था वो ज्यादा था। तैयल अर्द, ये अरबी के अल्फाज हैं, जमीन सुकेड़ देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के टाइम सफ़र किया करो, रात में ज़मीन सुकेड़ दी जाती है, जल्दी तय हो जाता है फासला। अगर कोई ख़तरा हो वो उसमें नहीं है कि ख़तरे में अपने आप को डाल लेना आपने, लेकिन बताया अल्लाह ने जो ज़मीन बाकी थी, जो अभी उसने चल के जाना था वो ज़्यादा थी, उसको हुक्म दिया सुकड़ जा, क्योंकि बख्शना था, क्योंकि तो उसकी रहमत, वो बख्शने पे आए तो फिर उसको कोई मुश्किल नहीं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दलेर हो जाएं गुनाहों पर, हम कहें अल्लाह तो बख्शने ही वाला है, हम करें जाएं जो कुछ ना। ये ठीक है कि वो गफूर है, वो रहीम है, वो सत्तार है, मगर हमें भी तो शर्म करनी चाहिए। अगर कोई हमसे मुसलसल नेकी कर रहा है तो क्या हम उसके फ़ायदा उठाएं, लूटने लग जाएं उसको? पूछ रहा हूँ, शर्म होती है ना कि भाई इसको इतना भी ना करें कि ये हमारे बारे में बदगुमान हो जाए। तो ये जब बंदों के लिए ऐसी बात कर रहे हैं तो रब ताला के लिए सोचें। रब ताला रहमान है, रहीम है, मगर हमें गुनाहों पे दलेर नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम खता पर राजी ना हो, गुनाह पर राजी ना हो। वाकयात इस तरह के बहुत हैं। वो बख्शने वाला है, बख्शेगा, मगर
हमें रहमत की अगर उम्मीद है तो ये गलत नहीं। मैंने ये हदीस शरीफ पढ़ी थी बहुत अरसा पहले। मैं जिस दिन पढ़ी मैं सोचता रह गया इतनी देर तक। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो मैं ऐसी कौम पैदा करूंगा कि वो गुनाह करे ताकि मैं उसे मुआफ़ करूं। अंदाज़ा करें आप, वो करीम है, वो रहीम है। और हम क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्म इन्नका अफ़ुवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, हमें माफ़ फरमा दे तो उसको माफ़ करना अच्छा लगता है। ये बात शायद आपको याद हो, मैंने सुनाई होगी आपको कई मर्तबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान बैठे हैं, जिक्र हो रहा है क़यामत का। मैंने आपको बता दिया क़यामत के माने जहाँ सबने खड़े होना है। क़यामत का जिक्र हो रहा है, साहबा कांप रहे हैं। एक देहाती शख्स बैठा था, आराबी कहते हैं देहाती। उसने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह। कौन हिसाब लेगा? फिर कहिए। उस देहाती ने कहा फिर घबराने की कोई बात नहीं। वो देहाती था कहने लगा घबराने की कोई बात नहीं। साहबा कहने लगे हमारे पित्ते पानी हो रहे हैं खौफ से, हम डरे जा रहे हैं और तू कह रहा है कि अल्लाह ताला अगर हिसाब लेगा तो घबराने की कोई बात ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कह रहे हैं तूने जो कहा कि अल्लाह हिसाब लेगा तो घबराने की कोई बात नहीं, तो क्या मतलब है तेरा? उसने कहा करीम जब काबू पाता है मुआफ कर देता है। करीम जब, अब कोई आया झुक गया है तो जो करीम होता है इज्जत वाला होता है मेहरबान होता है, जब कोई उसके सामने झुकता है तो वो मुआफ कर देता है। हुजूर ने फरमाया है देहाती, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है देहाती, मगर किसी ने फकीह देखना हो समझदार देखना हो तो इसको देख लो, बड़ी पते की बात की है इसने। तो अल्लाह ताला करीम है, बख्शने वाला है। अगर हमने उससे उम्मीद लगाई है तो गलत। फजल करे ता बख्शे जावन, मैं जहे मुँह काले ते अदल करे ता थर थर कंबन, उचियां शाना वाले। उसके फजल से ही बात बनेगी तो हमें उसका फजल मांगना। अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है जब दुआ में कहते हैं ना आप या अल्लाह अपना फजल फरमा। अल्लाह फरमाता है जो मेरा फजल मांगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमें याद रखना है हमने उससे रहमत की उम्मीद लगाई है। और अल्लाह का खुद फरमान अना इंद जन्ने अब्दी बी, इस अल्लाह के इस इरशाद को जरा याद कर लो। क्या फरमाता है अल्लाह, बंदा जैसा मेरे बारे में गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही करता हूं। तो हमें तो गुमान है कि वो मेहरबान है, हमें बख्श देगा, वो हमें बख्शेगा, मगर हमें गुनाह पर दलेर नहीं होना जानबूझ के कि नहीं अल्लाह बख्श देगा मैं तो करूँगा, हैं छोटे छोटे नहीं करूँगा बड़े बड़े करूँगा क्योंकि अल्लाह बख्श देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नाराज़ भी हो सकता है। छोटी सी बात से खुश हो जाए, छोटी सी बात से नाराज़ हो जाए। आपको मेरा पुराना जुमला याद होगा, किसी नेकी को छोटा समझ कर छोड़ो नहीं, किसी गुनाह को छोटा समझकर करो नहीं। यह हमें याद रखना चाहिए।